देखिए इसमें कितना आगे पीछे हो रहा है। आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। यह है मेरे पास देखिए यामाहा कंपनी का FZS वर्जन 3 बाइक है, और जैसा कि इस बाइक का आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट राइट साइड का पैनल ओपन कर रखे हैं, आगे फर्स्ट गियर डाल के बाइक को आगे बढ़ाते हैं, उस टाइम खटाक से साउंड आता है, थोड़ा झटका देने का साउंड आता है बाइक से। झटका देने का जो साउंड आता है वो किस प्रॉब्लम से आ रहा है, बाइक बबलिंग किस प्रॉब्लम, टोटल स्टेप आपको बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा, उसके लिए कौन सा पार्ट चेंज करना पड़ेगा वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जब हम बाइक को गियर लगा करके आगे बढ़ाते हैं, क्लच छोड़ते हैं, उस टाइम थोड़ा बाइक आगे पीछे होने लगता है। तो आगे पीछे होने लगता है तो यहाँ पर देखिए बाइक में प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए बाइक को जैसे हम पीछे से इस तरह से आगे पीछे करें, देखिए आप यहाँ देखिए चैन भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, और रियर वाला जो पोजीशन है वो थोड़ा जो है आगे पीछे हो रहा है इस तरह से। ऐसा जो हो रहा है क्योंकि इस बाइक का जो यहाँ पे सस्पेंशन बूश लगता है, यहाँ पे रियर वाले जो सस्पेंशन उसका बूश यहाँ पे एक थोड़ा लगता है सस्पेंशन बूश, वो बूश इस बाइक का कट चुका है। इसके प्रॉब्लम को तो बाइक में जैसे हम फर्स्ट गियर डाल के बाइक को आगे बढ़ाते क्लच छोड़ते उस टाइम खटाक का साउंड आता है, बाइक थोड़ा झटका देता है। झटका देने का जो मेन प्रॉब्लम सस्पेंशन बूश के प्रॉब्लम से बाइक थोड़ा आगे पीछे झटका दे रहा है। आप देखिए इस बाइक का टायर प्रॉपर सही है, उसके बाद बात कर ले तो व्हील का बैरिंग भी प्रॉपर सही है, उसके बाद भी बाइक झटका दे रहा है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ देख रहे हैं जैसे ही बाइक को थोड़ा आगे पीछे का चैन ऊपर नीचे हो रहा है। आप देखिए पीछे वाला जो आर्म लगा है इस आर्म को खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा, सस्पेंशन पीछे वाला फुल असेंबल खोल करके बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही बाइक का यहाँ सस्पेंशन बूश को हम चेंज कर पाएंगे। इसके लिए चलिए फटाफट इन सभी पार्ट को पीछे वाले व्हील को सस्पेंशन को शॉकर को असेंबल को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको सस्पेंशन बूश हम चेंज करके दिखलाएंगे, खुद से चेंज हो जाएगा या फिर इसको लेफ्ट पर ले जा करके चेंज करवाना पड़ेगा, टोटल स्टेप आपको बतलाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से व्हील को खोल करके बाहर निकाल लिया, उसके बाद जो भी फाइबर लगा था सभी फाइबर को हमने खोल करके बाहर निकाल लिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अब देखिए कितने आगे पीछे हो रहे, देखिए अब देखिए यहाँ सस्पेंशन एक्सल लगा है, रॉड लगा है, जिससे रियर वाला जो आर्म और चेचिस जो कनेक्ट है सस्पेंशन रियर वाली पोजीशन, इस बोल्ट को हमने प्रॉपर टाइट करके अभी चेकअप कर लिए, उसके बाद भी आर्म में साइड पे है, ये रोयर पोजीशन जो है रियर आर्म है इसमें प्रॉपर यहाँ पर साइड पे, आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें साइड पे है, देखिए इसमें कितना आगे पीछे हो रहा है। इसके लिए बाइक का हमें सस्पेंशन बोल्ट को भी चेकअप किया, प्रॉपर बोल्ट टाइट है, उसके बाद भी आगे पीछे हो रहा है। इस बाइक का जो सस्पेंशन बूश है वो बूश जो है बिल्कुल बुरी तरह से कट चुका है। चलिए फटाफट से सस्पेंशन आर्म को हम खोल करके बाहर निकालते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखला रहे हैं बूश किस तरह से कटा हुआ है, खोल करके हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए रियर सस्पेंशन जो था मेरा खुल करके बाहर आ गया, और यहाँ पर देखिए इसमें केज बैरिंग लगा है, ये जो है बिल्कुल बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा रस्ट लग गया, जंग लग गया, आप यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा रस्ट लगा है, जंग लगा, और ये सस्पेंशन रॉड जो है देखिए यहाँ पर किस तरह से कट चुका है। देखिए इसके प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें जो बबलिंग मार रहा था आर्म जो इतना ढीला था, रियर पोजीशन जो आगे पीछे हो रहा था, इसी के प्रॉब्लम से बाइक झटका दे रहा था, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना ज़्यादा सस्पेंशन जो है बाइक का कट चुका है। ये इसका सस्पेंशन रॉड है, एक बूश यहाँ पे लगा और एक बूश यहाँ पे लगा है। चलिए इस बूश को हम खुद से अपने हाथ से बाहर निकाल लेंगे, इसके लिए लेथ वगैरह पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद आपको इस तरह का एक एक्सल लेना है, इसके अंदर इस तरह से सेटिंग कर देना है, और ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आपको दबाव डालना है। तो फ्रेंड देखिए यही वो सस्पेंशन बूश है, जो कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसके अंदर में जो केज बैरिंग लगा है बिल्कुल टूट चुका है, एक एक करके आप देखिए टूट टूट करके केज बैरिंग बाहर निकल रहा है। इसी तरह से हम दोनों तरफ के सस्पेंशन बूश को चलिए फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से हमने सस्पेंशन बूश को बाहर निकाल लिए हैं, और देखिए एक बूश तो थोड़ा सही है, थोड़ा कटा हुआ, लेकिन एक बूश का आप कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल बुरी तरह से घिस चुका है। ऐसा हुआ है क्योंकि हम लोग इसको सस्पेंशन को टाइम टाइम पे सर्विस टाइम इसके अंदर ग्रीस नहीं डालते हैं, 8,000-10,000 किलोमीटर पे एक बार सस्पेंशन को ओपन करके इसके अंदर थोड़ा ग्रीस डालना चाहिए। अगर इसके अंदर ग्रीस डालते रहते प्रॉपर सर्विस टाइम तो ये बूश सस्पेंशन बूश जो है ये प्रॉपर ख़राब नहीं हुआ रहता। अब चलिए आपको सस्पेंशन बूश इसको सेटिंग करके आपको दिखला रहे इसका MRP क्या है, प्राइस क्या है, इसमें सेटिंग किस तरह से करना है, टोटल स्टेप आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर सभी पार्ट को हमने प्रॉपर अच्छा से वॉश कर लिए हैं, और ये है इसका सस्पेंशन बूश जो कि केज बैरिंग जैसा बूश है, जो कि पुराना देखिए यहाँ पे इस तरह का ये सस्पेंशन बूश है, जो कि एक पैकेट में यहाँ पे आपको दो ठो मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है 2N, और इसका प्राइस का बात कर ले तो 560 रुपये इसका प्राइस है दो पीस का,
इसका पार्ट नंबर का बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर आपको मिल रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पार्ट नंबर का। देखिए बिल्कुल यहाँ से कट चुका है, इसलिए हम ये रॉड को भी चेंज करेंगे, मोटा पाइप जैसा बूश है। और देखिए इस बूश का प्राइस का बात करें यहाँ पे रॉड का, तो 190 रुपया इस रॉड का प्राइस है, जो कि MRP इसका 2021 का ही MRP है। अभी तो 2023 आ गया, तो MRP थोड़ा बढ़ गया होगा। यहाँ पे देखिए इसका पार्ट नंबर का, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको हम खोल करके फटाफट से बाहर निकाल, जो कि यहाँ पे देखिए पाइप देखिए बिल्कुल प्रॉपर सही है रॉड, और इसका देखिए यहाँ पे बिल्कुल कट चुका है। इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको दो बूश, यही वो दो बूश है जो एक कट गया था, एक बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे तो दोनों ही चेंज करना है, क्योंकि ये दोनों एक पैकेट में दो साथ ही आता है। चलिए दोनों बूश को हम फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं। बूश को सेटिंग करने के लिए यहाँ पे क्या, थोड़ा थोड़ा हम ग्रीस का यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद बूश को यहाँ पे रख देना है। उसके बाद आप तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब भी इस बूश को सेटिंग करते हैं केज बैरिंग वाले बूश को, तो उस टाइम आपको फाइबर का हैमर को आपको यूज करना है, न कि आपको लोहा वाले हैमर का यूज करना है। चलिए इस हैमर की मदद से आस्ते आस्ते समय आप बूश को सेटिंग कर लेते हैं। अब देखिए बूश इसके बराबर में ही रह गया, तो अब इसको अंदर करने के लिए एक हम पुराना ही बूश लेकर के इसको सेटिंग करेंगे। प्रॉपर बूश सेटिंग हो गया, अब इस बूश को हम बाहर निकाल लेंगे कोई भी प्लास की मदद से आसानी से। आस्ते से बाहर निकल गया और बूश जो है मेरा प्रॉपर सेटिंग हो गया। इसी तरह से हम दोनों तरफ का सस्पेंशन एक्सल में बूश को सेटिंग कर लेंगे। आर्म में हमने सस्पेंशन बूश को तो प्रॉपर सेटिंग कर लिया, अब यहाँ पे चलिए क्या करना है, दोनों तरफ इसके अंदर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको ग्रीस डाल देना है। देखिए दोनों तरफ हमने यहाँ पे ग्रीस डाल दिया। अब उसके बाद ये जो एक्सल रॉड मिल रहा है यहाँ पे, इसका धुरा नहीं बोल सकते, इसको बूश बोल सकते हैं, इसको सस्पेंशन रॉड भी बोल सकते हैं। इस रॉड को आपको इस तरफ से यहाँ पे सेटिंग करना है। देखिए जो दोनों तरफ से इस तरह कैप फिट होगा, कैप नया नहीं दे रहा है सस्पेंशन बूश के साथ, कैप पुराना ही फिट करना पड़ेगा। इसके अंदर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर ग्रीस डाल करके और इस कैप को एक तरफ से इस तरह से डाल देंगे, और जस्ट उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा ग्रीस डाल कर कैप को हम इस तरह से सेटिंग कर लेंगे। तो आप देख लीजिए किस तरह से हमने सस्पेंशन बूश को प्रॉपर सेटिंग किया। अब चलिए सर, ये जो रियर फ्रॉक है, रियर आर्म है, इसको बाइक में फिट करके उसके बाद चेकअप करेंगे कि उस साइड पहले हाई या नहीं, क्योंकि सस्पेंशन बूश को कटने के प्रॉब्लम से बाइक में झटका दे रहा था, और उसके बाद पीछे वाला चक्का जो इस तरह से बबलिंग मार रहा था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो साइड जो प्ले मार रहा था वो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन बूश को कटने के प्रॉब्लम से, इसमें साइड प्ले आ गया था और ये बाइक झटका मार रहा था। अब इसमें देखिए झटका का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया है, और यहाँ देखिए इसमें साइड प्ले भी अब थोड़ा भी नहीं है, देखिए प्रॉपर नया जैसा हो गया। अगर आप लोगों की बाइक में रियर से झटका दे रहा है, बाइक बबलिंग मार रहा है, इस तरह से व्हील को भी आगे पीछे किया, तो उस टाइम काफ़ी आगे पीछे होगा। एक होता है कि व्हील का बायरिंग ढक रहता है तो सिर्फ व्हील आगे पीछे होगा, लेकिन व्हील को कस के आगे पीछे किया तो उस टाइम ये सस्पेंशन भी आगे पीछे होगा। तो उस टाइम आप समझ जाइए कि बाइक में सस्पेंशन बूश कट चुका है, उस टाइम आपको सस्पेंशन बूश को चेंज कर दीजिए, आपको बाइक में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। एक 8 से 10 हज़ार किलोमीटर एक बार आप इस सस्पेंशन एक्सल को बाहर निकाल करके, सस्पेंशन रॉड को बाहर निकाल करके इसके अंदर थोड़ा आप नया वाला इंजन ऑयल और थोड़ा ग्रीस डाल दीजिए, ताकि इसके अंदर जो केज बैरिंग लगा है वो प्रॉपर ल्यूब रहेगा, तो आपका सस्पेंशन बूश जल्दी नहीं कटेगा। इसमें जो बूश कटने का जो मेन प्रॉब्लम है, कभी इसके अंदर ग्रीस डाला ही नहीं गया है जब से बाइक सर्विस सेंटर से आया है अभी तक। जो इस कस्टमर का कहना है कि सस्पेंशन को अभी तक हमने एक बार भी इसके ओपन करके इसके अंदर ग्रीस नहीं डाला है, उसके प्रॉब्लम से बाइक का जो सस्पेंशन है वो कट चुका है। और यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर थोड़ा भी साइड प्ले नहीं है, तो चलिए फटाफट से व्हील वगैरह को टोटल चीज़ को हम सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूर को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए तो इस बाइक को RPM को किस तरह से यहाँ से सेटिंग किया जाता है, इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।